सब्सक्राइब नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आर्टिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस तरह की मार्कों की कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने मोबाइल में कैसे चलाते हैं और किस तरह से इस मार्कों की फिंगरप्रिंट डिवाइस से अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक, उसके बाद आप भी फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने मोबाइल में जरूर चला पाएंगे। दोस्तों, यदि आप CSC सेंटर चलाते हैं या फिर मोबाइल से पैसे वगैरह निकालते हैं तो पैसे निकालने के लिए आपको फिंगरप्रिंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आपके पास इस तरह की कोई भी मार्कों की फिंगरप्रिंट डिवाइस है और आप उससे पैसे निकालते हैं, तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम मोबाइल में इस तरह की फिंगरप्रिंट को कनेक्ट कर लेते हैं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देखना है। तो दोस्तों, इस तरह की फिंगरप्रिंट को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह की OTG केबल की। सबसे पहले आपको इस तरह की कोई भी OTG केबल खरीद कर ला लेने हैं, 40 से 50 रुपए में मिल जाती है बहुत ही आसानी से। उसके बाद हम अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और जानते हैं कैसे हम इस मार्को की फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है और कैसे कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, यह सब जानते हैं। अपने मोबाइल में मार्को फिंगरप्रिंट डिवाइस का यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करें। तो हम यहाँ से चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद अब आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है मार्को SCL RD सर्विस, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा उसको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऐप दिखाई देगा, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तो हम यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे जिससे कि यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसका इंस्टॉल होने का हमें वेट करना है, तो अभी यह हो जाएगा। तो अब हमारे मोबाइल में मार्को SCL RD सर्विस सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो हमें यहाँ से प्ले स्टोर से चले जाना है, उसके बाद हमें सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सर्च करना है OTG, यहाँ पर दिखाई दे रहा है OTG कनेक्शन, तो आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर जो OTG कनेक्शन है इसे चालू कर देना है। उसके बाद OTG केबल को अपने मार्को फिंगरप्रिंट डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो OTG केबल है उसे अपने मोबाइल में लगा देना है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हमने उसे लगा दिए। उसके बाद कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर एक टिक लगा देना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। और फिर जो भी परमिशन वगैरह मांगी जाएगी तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर रजिस्टरिंग डिवाइस, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यू डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़, इसका मतलब है कि हमारी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वह सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है हमारे मोबाइल के साथ, RD सर्विस के साथ। ओके, तो चलिए हम इसका यूज करके देख लेते हैं सच में यह काम कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ से चलते हैं DGP में, जहाँ पर हम फिंगरप्रिंट लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं CSC ID डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आपको फिर से कि एक बार OTG केबल को हटाकर फिर से कि लगा देना है। ओके, फिर से यहाँ पे रेडी फॉर यूज दिखाई देगा। इतना करने के बाद स्कैन एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट चालू हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे फिंगर रख देना है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट ले ली गई है, यहाँ पर यह ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली दिखाई दिया है और यहाँ पर DGPay ओपन हो चुका है। इसका मतलब है कि अब हमने हमारे मोबाइल में अपने मोबाइल में सक्सेसफुली मार्को फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से मार्को की फिंगरप्रिंट को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।